नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सिंगर सुनिधि चौहान माँ बन गई हैं। उन्होंने 1 जनवरी को बेटे को जन्म दिया। सुनिधि का ये पहला बेबी है। अगस्त में सुनिधि के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी। इस वक्त वे 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आपको बता दें कि सुनिधि ने प्रेगनेंसी के दौरान एक लाइव कॉन्सर्ट किया था और इसी दौरान उन्होंने सबके सामने कहा था, आई एम सो हैप्पी टुडे, यू नो व्हाई, बीसी आई एम प्रेग्नेंट। सुनिधि 2 बार शादी कर चुकी हैं। 18 साल की उम्र में उनकी पहली शादी 2002-03 कोरियोग्राफर बॉबी खान से हुई थी। हालांकि यह तलाक पर खत्म हुई। सुनिधि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे बॉबी के साथ बहुत खुश थीं। ससुराल वाले उन्हें कभी बहू होने का एहसास नहीं होने देते थे और बॉबी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है कि सुनिधि ने यह शादी फैमिली के खिलाफ जाकर की थी। बॉबी से तलाक के करीब 9 साल बाद 2012 में सुनिधि ने दूसरी शादी म्यूजिक डायरेक्टर हितेश सोनिक से की। सुनिधि चौहान के गाने हमेशा टॉप लिस्ट में रहे हैं। फिल्मों में गाने के साथ साथ सुनिधि ने टीवी पर इंडियन आइडल और द वॉइस जैसे शोज कर चुकी हैं। 1996 में 13 साल की उम्र में फिल्म शस्त्र से उन्होंने डेब्यू किया था। इसी साल रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो की वे विनर रही थीं। हालांकि सुनिधि को पहचान 1999 में फिल्म मस्त के सौंदर्य की रुकी सी जिंदगी से मिली थी। तब से अब तक वे धूम मचाले, धूम 2004, सजना जी वारी वारी, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड 2007, चोर बाजारी, लव आजकल 2009, शीला की जवानी 30 मार्च खां 2010, कमली धूम 3 और इश्क से बड़ा बखेड़ा टॉयलेट एक प्रेम का था 2017 जैसे कई सुपरहिट गानों को आवाज दे चुकी हैं।